नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। चलते हैं खास खबर की ओर। साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जयपुर के रामबाग पोलो क्लब ग्राउंड में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साइकिल पोलो लीग आयोजित किया। साउथ वेस्ट कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर द्वारा लीग का उद्घाटन किया। यह लीग 25 नवम्बर से 29 नवम्बर तक सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर AWA की रीजनल प्रेसिडेंट अनु कलेर, पब्लिक रिलेशन राजस्थान के कमिश्नर नीरज के पवन, साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ठाकुर राघवेंद्र सिंह डुडलोद, उपाध्यक्ष ग्रुप कैप्टन दीपक अहुवालिया, महासचिव गजानन बुरेड, कोषाध्यक्ष PM अबुलेकर, अतिरिक्त डायरेक्टर लीग मनोज भारद्वाज, इंडियन एयरफोर्स आर्मी के कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य व्यक्ति मौजूद थे। आपको बता दें कि लीग का पहला मैच डुडलोद सफारी नाइट्स और रॉयल टाइगर टीमों के बीच खेला गया। इस मैच में खिलाड़ियों का मुख्य अतिथि से परिचय करवाया गया। ग्राउंड में बॉल थ्रो इन कर मुकाबले की शुरुआत की गई। इस मैच में रॉयल टाइगर ने डुडलोद सफारी नाइट्स को 18-12 गोल के अंतर से हराया। रॉयल टाइगर की ओर से अंशाद ने 18 गोल, सनोफर ने 5, गुलशन ने 3, मोहित व अलन डॉली ने 1-1 गोल किए। डुडलोद सफारी नाइट्स की ओर से विष्णु एस ने 6, विष्णु साजी ने 4 और कलम और ज्ञानू ने 1-1 गोल किए। इस 5 दिवसीय लीग टूर्नामेंट के दौरान इक्वेस्ट्रियन मार्शल आर्ट एंड पैगिंग व हॉर्स डांस का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 25 से 27 नवंबर तक स्टूडेंट्स के लिए साइकिल पोलो ड्राइंग कंपटीशन भी आयोजित किया जाएगा। स्पोर्ट है जो 200 साल से ज्यादा पुराना है, मगर इस क्योंकि मैं अपने आप साइकिल पोलो बहुत खेलता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्पोर्ट के बारे में एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें एक जिम्नास्टिक की कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक एथलीट की स्ट्रेंथ चाहिए और एक जैसे हमारे शूटर होते हैं उनकी आंख चाहिए। इट्स एन ऑलराउंड कोऑर्डिनेशन गेम। इट इज़ एन इंडिविजुअल गेम विद इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड अ लॉट ऑफ टीम वर्क। और क्योंकि साइकिल पर हमारे अपने पैर काम कर रहे हैं और घोड़ा नहीं है हमारे पास, तो अपनी भी ताकत खूब सारी इस्तेमाल होती है। इट इज़ अ वेरी टायरिंग गेम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट रघुवेंद्र सिंह जी ऑफ डुडलोद उन्होंने ये आज का जो पहला मैच है इस लीग का वो उन्होंने यहाँ शुरू किया है। और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे इंडिया में वो जो 10-12 इंटरनेशनल टीम्स हैं वो इसमें खूब सारी पार्टिसिपेट करें और इस गेम को प्रमोट करें। राजस्थान में पहली बार आयोजन हो रहा है, किस तरीके से इसको प्रमोट करेंगे आगे? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए जो हम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं 6-7 टीम का, मैं उम्मीद करूँगा कि अगले साल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना की अपनी अपनी टीम आएंगी और यहाँ हम जिस प्रकार आज हमने 6 टीम देखी है, अगली बार हम 15 से 20 टीमें इस ग्राउंड में देखेंगे। इसी तरह की खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।